देखिए, पिछले क्लास में हमने दो वर्ड्स क्लियर कर लिए थे, ठीक है। हम लोग जो है हमने एस क्लियर कर लिया है, हमने पे क्लियर कर लिया, ठीक है। हमने दो वर्ड जो है अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया। एस यानी स्ट्रेंथ की बात हमने करा था, और पी पी का मतलब सिंपल सा था हमारा परसेंटेज और पीपीएम, ठीक है। तो आज का जो क्लास हमारा है, आज हम लोग एम पर हमने फोकस करना है, ठीक है। आज जो हमारा क्लास है, आज हम लोग जो है एम पर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, एक बार आपको एस की बात कर लेते हैं, ठीक है। एस एस का मतलब क्या था, स्ट्रेंथ, ठीक है। एस का मतलब क्या था, स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ का डेफिनेशन हमने आपको क्या बताया था, डेफिनेशन से बेहतर होगा उसको आप अच्छे तरीके से समझ लो, वो बेहतर होगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ हमने आपको बताया था कि 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। हमने आपको एस का मतलब समझाया था कि 1 लीटर आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। 1 लीटर आपका क्या चाहिए, सॉल्यूशन है, उसमें आपने जो है कितना ग्राम जो है सॉल्यूट डिजॉल्व किया हुआ है, ठीक है। फिर से, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर क्या चीज सॉल्यूशन में आपने क्या किया हुआ, कितना ग्राम जो है आपने सॉल्यूट डिजॉल्व किया हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, स्ट्रेंथ, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते थे, स्ट्रेंथ। यानी सिंपल सी बात अगर देखा जाए, कोई पूछता है आपसे स्ट्रेंथ क्या होता है, तो सिंपल तरीके से देखा जाए तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में, लीटर में, ठीक है। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट क्या है आपका डिजॉल्व है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेंथ आपको पता है, पी का मतलब हमको पता है, और आज जो हमने एम पर फोकस करना है, चलो ठीक है। तो एम में जो है सबसे पहले आता है मोलरिटी, ठीक है। एम में सबसे पहले क्या आता है आपका, मोलरिटी। अब देखो मोलरिटी क्या होता है वो थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखो मोलरिटी को समझने से पहले आपको मोल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मोलरिटी को समझने से पहले आपको मोल यानी मोल का नॉलेज होना चाहिए। अब मोल आपको पता होगा, मोल का लॉजिक क्या होता है, ठीक है। तो मोल आपने 11th क्लास में, 9th क्लास में, नीचे क्लासेस में आपने मोल अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। तो मोल सिंपल तरीके से देखा जाए क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मोल जो है यूनिट होता है, ठीक है। किसका यूनिट होता है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है, ठीक है। हम क्या अगर एक छोटा सा आपको रिव्यू दे देते हैं मोल के बारे में, ठीक है। मोल क्या होता है, सबसे पहली बात कि मोल क्या होता है, तो मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या इसको सिंपली बोलो मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सबसे सिंपल सी बात है, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। विच कंटेन, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, उतने एंटिटीज होते हैं, उतने क्या होते हैं, एंटिटीज होते हैं, या उसको आप ऐसे बोलो उतने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उतने क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो C12 कार्बन एटम, आपको पता होगा आइसोटोप्स आपने पढ़ा होगा, जो C12 कार्बन एटम के 12 ग्राम में, C12 कार्बन एटम के 12 ग्राम में जितने एंटिटीज प्रेजेंट होते हैं, उन एंटिटीज, ठीक है, उन एंटिटीज को एक तरह से सिंपली बोलो आप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल बोल सकते हैं, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल। यानी सिंपल तरीके से एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं, मोल क्या होता है, तो मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स एज देयर आर इन 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन एटम, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। इसको फिर से रिपीट करता हूं सिंपल तरीके से, C12 कार्बन एटम के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, उस पार्टिकल्स को हम लोग सिंपली बोलते हैं मोल, ठीक है। उस पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मोल, ठीक है। ये तो हो गया। अच्छा, कुछ बेसिक्स फॉर्मूला जो है आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। मोल का जो है कुछ फॉर्मूला जो आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होने चाहिए, ठीक है। अब कौन कौन से फॉर्मूला, वो तो आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक्स फॉर्मूला। लाइक सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज गिवन मास, ठीक है। गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है। गिवन मास बाई क्या होता है आपको, मोलर मास। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात, है कि नहीं, गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है। अच्छा, एक तो सिंपल सा ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मूला है जो वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए, दैट इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी गिवन पार्टिकल्स, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखो, गिवन पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख दो, गिवन नंबर ऑफ क्या चाहिए, पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अपॉन कौन सा नंबर, एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, एवोगैड्रो नंबर आपको पता होना चाहिए कितना होता है, दैट इज 6.022 × 10²³। ये होता है आपका एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, इस नंबर के बारे में आपको पता होगा कि एमिडो एवोगैड्रो ने, यानी एवोगैड्रो नंबर के बारे में सबसे पहले एमिडो एवोगैड्रो ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा हुआ था, ठीक है। इस नंबर के बारे में सबसे पहले एमिडो एवोगैड्रो ने, ठीक है। तो ये जो नंबर होता है आपके, उसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, हमने क्या करता, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है। किससे प्रोसीड करते हैं, मोलरिटी पे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम लोग अब जो बात करेंगे एम, एम में हम लोग केवल मोल्स के बारे में बात करने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करने वाले, ठीक है। चलो मोलरिटी पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो मोलरिटी का सिंपल सा लॉजिक होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में आपका, 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने कितने मोल्स डिजोल्व किए हुए हैं,
एक लीटर सॉल्यूशन में कितने आपने क्या किए मोल्स डिजोल्व किए हुए हैं। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन वन लीटर सॉल्यूशन, यानी एक लीटर सॉल्यूशन में ठीक है आपने क्या किए हुए, कितने मोल्स आपने जो है सॉल्यूट के मोल्स आपने क्या किए हुए, कितने डिजोल्व किए हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मोलरिटी। ठीक है, और उसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो मोलरिटी होता है उसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी आपको हमने बताया कि मोल जो होते हैं आपका यानी नंबर ऑफ मोल्स जो होता है इसके फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, अभी आपको हमने बताया इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अच्छा नीचे में तो आपका वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम को हमने एज इट इज रख दिया। ठीक है, वॉल्यूम को हमने क्या किया, एज इट इज रख दिया। उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा। अच्छा, थोड़ी देर पहले आपको हमने आपको स्ट्रेंथ के बारे में बात करा था, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ सिंपल सी लॉजिक है कि एक लीटर सॉल्यूशन में, स्ट्रेंथ का लॉजिक सिंपल सा है कि एक लीटर सॉल्यूशन में आपने क्या करा, कितना ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व किया हुआ है, स्ट्रेंथ का मतलब सिंपल सा। ठीक है, अच्छा तो आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे गिवन मास तो था ही आपका जो किस में है, ग्राम में है, और यहाँ पे देखो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में, लीटर। तो आपको पता है गिवन मास यानी जो भी मास आपका है, यानी किसका मास, ऑफ सॉल्यूट है कि नहीं, ऑब्वियस है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूट है कि नहीं। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या चाहिए, लीटर। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है यानी यहां से यहां तक का जो रेशियो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या ले सकते हैं, स्ट्रेंथ। ठीक है, अच्छा नीचे में तो आपका मोलर मास था वो तो एज इट इज आ गया है कि नहीं, जो मोलर मास था आपका ये तो एज इट इज आ गया, यानी सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं कि मोलरिटी का यहाँ पे और फॉर्मूला निकल गया, दैट इज मोलरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास। सिंपल सी बात है, स्ट्रेंथ अपॉन क्या निकल गया, मोलर मास। तो ठीक है, दो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया, पहला फॉर्मूला सिंपल सा था दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वन लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कितने एक लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स आपके डिजॉल्व है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ये तो क्लियर हो गया। इसका दूसरा फॉर्मूला देखा जाए तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला निकल गया, स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास। ठीक है, क्या निकल गया इसका, स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास। कैसे निकाला ये भी देख लो आप, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास है कि नहीं। अच्छा, वॉल्यूम तो एज इट इज हमने रख दिया था, और गिवन मास यानी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या, लीटर। इसका इसका हम लोग रेशियो पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेंथ लिख दिया, यानी मोलरिटी इज इक्वल टू क्या निकल गया, स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास। ये हमने क्लियर कर लिया। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब सोचने वाली बात है कि ये जो क्वांटिटी है यानी जो मोलरिटी है ये आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इनडिपेंडेंट है। तो क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका वॉल्यूम है, इस वाले केस में आपका क्या है, वॉल्यूम है। तो जब वॉल्यूम है तो ऑब्वियस है कि ये जो है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जो वॉल्यूम आ गया तो क्लियरली आपका कौन सा हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या इसका यूनिट हुआ कि नहीं होगा। तो यस इसका यूनिट होगा। क्यों यूनिट होगा, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ पे क्या वॉल्यूम है, तो दोनों आपके डिफरेंट टर्म्स हैं। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे इसका यूनिट होने वाला है। यूनिट क्या होगा इसका, तो सिंपल आपको पता है दैट इज मोल पर लीटर, यानी मोलरिटी का यूनिट क्या निकल गया, मोल पर लीटर। ठीक है, अच्छा उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो ध्यान से, अब जो छोटी सी बात है वो ध्यान दीजिएगा, जो मोलरिटी होता है। ठीक है, मोलरिटी हम लोग नॉर्मली कहां पर यूज करते हैं, ठीक है ये भी सोचने वाली बात है कि जो मोलरिटी होता है नॉर्मली हम लोग कहां पर यूज करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के केस में। ठीक है, नॉर्मली हम लोग कहां पे कैलकुलेट यूज करते हैं, मॉलिक्यूल्स के केस में। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली मोलरिटी का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका आयनिक कंपाउंड मिल जाए, अगर आपका क्या मिल जाए, आयनिक कंपाउंड मिल जाए, लाइक आपका सपोज Na2CO3 मिल गया है कि नहीं, क्लियरली आपका एक आयनिक कंपाउंड है, लाइक NaCl मिल गया आपको है कि नहीं। लेकिन अगर ये आयनिक कंपाउंड अगर मिल जाता आपको, तो उस तरह के केसेस में ध्यान समझिएगा, अगर आपको आयनिक कंपाउंड मिल जाता है तो इस तरह के केसेस में हम लोग क्या करते हैं, मोलरिटी का यूज नहीं करते हैं। ठीक से फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है यानी मोलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, नॉर्मली कहां पर यूज होता है, मॉलिक्यूल्स के केस में यूज होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल समझते होंगे आप लोग। लेकिन जैसे ही आयनिक मिल जाए, आयनिक कंपाउंड मिल जाए, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, तो ऑब्वियस सिंपल सी लॉजिक है कि जिसमें मेटल और नॉन मेटल होता है। सिंपल तरीके से समझना है तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है, इसमें मेटल और क्या होता है, नॉन मेटल होता है। या इसको और डिटेल में समझा जाए तो आयनिक कंपाउंड का एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो उस तरह के केसेस में यानी आयनिक कंपाउंड केस में हम लोग मोलरिटी का यूज नहीं करते, हम लोग जो है एक नया टर्म का यूज करते हैं, दैट इज फॉर्मेलिटी। ध्यान समझिएगा, ठीक है, आयनिक कंपाउंड केस में हम लोग क्या करते हैं, मोलरिटी का यूज नहीं करते हैं। तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो है एक्सेप्शन है, मोलरिटी जो होता है आयनिक कंपाउंड के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आयनिक कंपाउंड के केस में ये जो है
एप्लीकेबली आपका नहीं होता है, तो उसके केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है एक नया टर्म यूज करते हैं, दैट इज फॉर्मेलिटी। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मेलिटी। ठीक है, उस तरह के केस में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी यूज करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे नोट में लिखा भी है कि इन केस ऑफ एनी कंपाउंड एफ इज यूज इंस्टेड ऑफ एम, यानी एम के जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, एफ, एफ यानी फॉर्मेलिटी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब कुछ नहीं करना, एकदम इजी है, फॉर्मेलिटी को समझना इजी है, काफी इजी है, कुछ नहीं करना, जहां भी एनी कंपाउंड है मोलरिटी के जगह पे आपने क्या यूज कर लेना है, फॉर्मेलिटी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो ध्यान से, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या, ऐसा कॉन्सेप्ट क्या, तो ये तो क्लियर हो गया कि इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मोल जो फॉर्मेलिटी होता है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, यहां पे डेफिनेशन पढ़िए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या था, आपका लीटर था, ये डेफिनेशन हमने यहां पे लिखा हुआ था, तो यहां पे कुछ नहीं है। देखो अब ध्यान से, नंबर ऑफ फोर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या चाहिए, लीटर, तो हमने कुछ नहीं किया, यहां जो आपका मोल था, यहां जो क्या था आपका मोल था, उसको हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, फोर मोल से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, सिंपली हमने क्या करा, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि एनी कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां भी एनी कंपाउंड मिलेगा हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्मेलिटी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो दोनों का फॉर्मूला चेक करो, यहां पे क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, तो यहां पे हमने क्या करा, नंबर ऑफ फोर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे में तो आपका सेम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, यहां भी आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फॉर्मेलिटी को आप डिफाइन करो, ठीक है, फॉर्मेलिटी होता क्या, तो सिंपली बताना आपने कि एक लीटर सॉल्यूशन में, एक लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ फोर मोल्स जो है डिजॉल्व है, एक लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ फोर मोल्स के हैं डिजॉल्व है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी। ठीक है, अब देखो दो तीन चीज और यहां पर छोटी छोटी बातें और आ सकती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब पहली बात, क्या ये जो फॉर्मेलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो ऑब्वियस है कि यहां पे क्या आ गया आपका वॉल्यूम है, तो ऑब्वियस है कि ये जो है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होने वाला है, ये जो क्वांटिटी है आपका, वो कौन सा क्वांटिटी है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी बात देखना है, क्या इसका यूनिट होगा, क्या इसका यूनिट होगा, तो ऑब्वियस है कि इसका भी यूनिट होने वाला है। ठीक है, अब क्या यूनिट होने वाला है उसको हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से, तो नंबर ऑफ मोल्स यहां पे है, तो नंबर ऑफ मोल्स का आपको फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का सबको फॉर्मूला पता है यहां पे, दैट इज गिवन मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास। ठीक है, अच्छा तो कुछ नहीं करना है, तो यहां पे हमने क्या करा था, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे हमने वो फॉर्मूला रख दिया था, दैट इज गिवन मास अपॉन क्या, मोलर मास। तो यहां भी हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फॉर मोल्स का यहां पे हमने एक फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला होता है, दैट इज गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास। देखो ध्यान से, यहां पे क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास था, है कि नहीं, गिवन मास अपॉन क्या था, मोलर मास था, लेकिन यहाँ पे क्या, गिवन मास अपॉन क्या आ गया, फॉर्मूला मास। यानी देखो चेंजेस कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे मोलर मास था और यहाँ पे क्या आ गया आपका, फॉर्मूला मास आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया आपका, फॉर्मूला मास। ठीक है, अभी और देखो ध्यान से, ठीक है, यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अच्छा, नीचे में तो वॉल्यूम था, उसको हम लोग एज इट इज उतार दिया। अब देखो ध्यान से, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका गिवन मास, यानी ऑब्वियस है कि मास ऑफ सॉल्यूट है कि नहीं, गिवन मास यानी किसका मास, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ आपको थोड़ी देर पहले हमने फिर से रिपीट कर देते हैं, स्ट्रेंथ क्या होता है कि एक लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम आपका सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, स्ट्रेंथ हो गया अपॉन फॉर्मूला मास, यानी फॉर्मेलिटी का दूसरा फॉर्मूला यहां पे निकल गया, दैट इज स्ट्रेंथ अपॉन फॉर्मूला मास। ठीक है, तो देखो काफी क्वाइट सिमिलर है दोनों, अगर आप देखो ध्यान से तो काफी सिमिलर है, क्या डिफरेंसेस है, यहाँ पे मोलर मास आ गया और यहाँ पे क्या आ गया आपका, फॉर्मूला मास आ गया, और कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसका भी यूनिट अगर देखा जाए तो इसका, अच्छा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसका क्या यूनिट होगा, तो यस इसका भी यूनिट होगा, है कि नहीं, वही यूनिट होगा जो इसका यूनिट है, है कि नहीं, फॉर मोल्स पर लीटर हो जाएगा, है कि नहीं, फॉर मोल्स पर क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे फॉर मोल्स है, तो फॉर मोल्स ले लेते हैं अपॉन लीटर। इसका अगर यूनिट देखा जाए तो इसका यूनिट क्या हो गया, नंबर ऑफ फॉर मोल्स अपॉन क्या हो गया, लीटर, है कि नहीं, दो बातें क्लियर हो गई। अच्छा, इसका फॉर्मूला एक निकल गया यहाँ पे, फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या निकल गया, स्ट्रेंथ अपॉन फॉर्मूला मास। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे छोटी सी बात आ सकती है मन में कि भाई फॉर्मूला मास क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला मास है, तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखा हुआ है। पहली बात तो देखो एक चीज ध्यान से, फॉर्मूला मास हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला मास जो होता है हम लोग एनी कंपाउंड के केस में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला मास हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। होता क्या है, सिंपल सा लॉजिक देखो ध्यान से, सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ एटम इन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ एटम इन द फॉर्मूला ऑफ क्या चाहिए, कंपाउंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला
मस्ट, ठीक है। हम लोग उसको बेहतर, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम लोग बेहतर इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा आपने समझ लेना एक सिंपल तरीके से कि आपका एनी कंपाउंड मोलरिटी अप्लाई नहीं होता है। एनी कंपाउंड में जो मोलरिटी है उसके जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर्मलिटी यूज करते हैं, बस एक सिंपल सी बात है, बाकी बोथ आर सेम थिंग। डेफिनेशन अगर देखा जाए तो डेफिनेशन भी सेम है, केवल चेंजेस क्या क्या है, जहां पे मोलर मास है वहां पे क्या आ गया आपका फॉर्मूला मास आ गया, ठीक है। यूनिट भी सेम है, टी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये तो क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग मूव करते हैं एन पे, ठीक है, जिसका नाम है नॉर्मलिटी, ठीक है, जिसका नाम क्या हमारा नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी पे मूव करते हैं तो देखो ध्यान से फिर से रिपीट करते हैं, नंबर ऑफ सॉरी मोलरिटी क्या था कि एक लीटर में कितने मोल्स डिजॉल्व है उसको बोलते हैं मोलरिटी। फिर से एक लीटर में कितने मोल्स डिजॉल्व है, नंबर ऑफ मोल्स कितने डिजॉल्व है वो हो गया मोलरिटी। अच्छा एक लीटर में कितने नंबर ऑफ फॉर्मोल्स डिजॉल्व है उसको बोलते हैं फॉर्मलिटी। अब यहां पे देखते हैं ध्यान से, एक लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, एक लीटर में क्या है कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व है, एक लीटर में क्या है कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व है उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मलिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मलिटी। इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है। अच्छा यहां तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक चीज और, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। यहां पे देखो नंबर ऑफ फॉर्मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास बाय फॉर्मूला मास, तो ऑब्वियस है कि इसका भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज दिमाग पर रख लेंगे अच्छे तरीके से, दैट इज गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाय क्या होता है इक्विवेलेंट मास, ठीक है। यहां तक उम्मीद है अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब देखो ध्यान से फिर से वही बात आ गई, गिवन मास किसका, ऑफ ऑब्वियस है कि सॉल्यूट का, किस में, ग्राम में। अब देखो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको बोलते क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है आपको, दैट इज स्ट्रेंथ। तो एन इज इक्वल टू क्या निकल गया, स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो एकदम देखो क्वाइट सिमिलर है, क्वाइट सिमिलर है, चेंजेस कहां कहां पे है तो आपको चेंजेस समझाते हैं, यहां पे मोलर मास, यहां पे आपका फॉर्मूला मास, और यहां पे क्या आपका इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इक्विवेलेंट क्या है वहां पे, मास है। अब हमको समझना है कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ठीक है, हमको इसको थोड़ा समझना है कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। ये तो काफी इजी था, फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना और मोलर मास कैलकुलेट करना, क्योंकि आपने बेसिक नीचे क्लासेस में नॉलेज है आपको, ठीक है। लेकिन हमको सीखना क्या है मेनली, हमको जो है मेनली सीखना है इक्विवेलेंट मास। तो नॉर्मलिटी का एक फॉर्मूला यहां पर निकल गया, स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, स्ट्रेंथ तो आपको नॉलेज होना चाहिए, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बाद आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपको सबसे पहले हमने बताया था कि भाई एक लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, एक लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम आपका सॉल्यूट क्या है डिजॉल्व है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ, ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्मूला था, लेकिन उसके बाद देखो आप स्ट्रेंथ का बहुत सारा फॉर्मूला निकल गया। सबसे पहला फॉर्मूला तो आपको पता था, सेकेंड फॉर्मूला स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलर मास, ठीक। दूसरा फॉर्मूला देखो, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फॉर्मलिटी इनटू फॉर्मूला मास, और तीसरा फॉर्मूला देखो, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास, ठीक है। नॉर्मलिटी इनटू कौन सा मास, इक्विवेलेंट मास। अब हमको फोकस करना है किस पर, इक्विवेलेंट मास पर फोकस करना है। अच्छा अब हमको सोचना है कि ये जो नॉर्मलिटी है क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो ऑब्वियस है कि ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होने वाला है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होने वाला है, डिपेंडेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम आ गया है कि नहीं, तो ये भी आपका जो है टी डिपेंडेंट है, सॉरी यहां पे हमने एफ लिख दिया, ये भी जो आपका कौन सा डिपेंडेंट है, टी डिपेंडेंट, टी डिपेंडेंट है, टी डिपेंडेंट यानी सिंपल सा लॉजिक है, ये भी आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अच्छा दूसरी बात, इसका यूनिट क्या होगा, यानी नॉर्मलिटी जो है इसका यूनिट क्या होगा, आप खुद सोचो। तो इसका सिंपल सा यूनिट है, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर, ठीक है, पर लीटर, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट पर क्या हो गया इसका लीटर, यहां पे हमने एल इनवर्स लिख दिया है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमने सीखा अभी, मोलरिटी, फॉर्मलिटी एंड नॉर्मलिटी, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करना है, हमने फोकस करना है किस पर, फोकस करना है इक्विवेलेंट मास पर। तुम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में, इक्विवेलेंट मास के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।